नियाबारोंगो, अफ्रीकी देश रवांडा की सबसे लंबी नदी। इसके तटों पर बसे बहुत से लोगों को नदी से ही पानी मिलता है। कागोमा में लगभग 1000 लोग रोज नदी से पानी लेते हैं, लेकिन ये भूरा पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। क्रिस्टेले कुविजेरा इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वो 2011 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने अमेरिका गईं। जब वो वापस लौटीं तो उन्होंने अपनी कंपनी वाटर एक्सेस रवांडा शुरू की। अमेरिका में पानी की आपूर्ति भरोसेमंद है। जब मैं रवांडा लौटी तो मुझे लगा कि यहाँ पानी की भरोसेमंद आपूर्ति क्यों नहीं है। जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तो मैं लोगों को साफ पानी और रोजगार देना चाहती थी, तो मैंने पानी के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश की। लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने युवा टेक्नीशियनों को काम पर लगाया और पास की झीलों से पानी को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक पहुंचाया। क्रिस्टेले बेरोजगार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को नौकरी देना चाहती हैं। 2014 में अपनी कंपनी शुरू करने के बाद से उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड फंडिंग से हमें बहुत मदद मिली है। मुझे खुशी है कि एक महिला के नेतृत्व में एक नई कंपनी को इतनी मान्यता मिली और नकद पुरस्कार भी मिला। हमें इससे टीम के लिए आईटी उपकरण खरीदने में मदद मिली है, सबके लिए अच्छे कंप्यूटर। हम कार खरीद पाए, स्टोरेज फैसिलिटी और टीम के लिए सुविधाएं तैयार कर पाए। वाटर एक्सेस रवांडा का लक्ष्य 2022 तक देश के सभी 30 जिलों तक पहुंचना है। एक वाटर कियोस्क 2000 लोगों के समुदाय तक पानी पहुंचा सकता है, वो भी अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कहीं सस्ते दामों पर। लेकिन क्रिस्टेले ध्यान रखती हैं कि कोई पीछे ना छूटे। जो लोग अपना पानी का बिल नहीं चुका सकते, उनके बिल चुकाने के लिए वो अन्य कंपनियों को राजी करती हैं। इसमें उनके बिजनेस स्किल्स काम आते हैं। 24 साल की मैनेजमेंट ग्रेजुएट क्लाउडेटे वाटर एक्सेस रवांडा की टीम का हिस्सा हैं। 4 साल तक वो बेरोजगार रहीं, फिर क्रिस्टेले की एक वर्कशॉप में उन्हें बुलाया गया और उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली। बहुत सारे लोगों की तरह मेरे पास भी नौकरी नहीं थी। हर चीज के लिए माता पिता से मांगना पड़ता था। मैं परेशान हो गई थी। अब चीजें बदल गई हैं और अब मैं अपने परिवार को सहारा दे सकती हूँ। अपने भाई बहन की स्कूल की फीस चुकाती हूँ। इस नौकरी से मैं बहुत खुश हूँ। क्रिस्टेले के प्रोजेक्ट का बहुत सकारात्मक असर हुआ है, लेकिन ये महत्वाकांक्षी महिला उद्यमी रवांडा तक सीमित रहने वाली नहीं है। सब सहारा अफ्रीका में 45 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। जब तक उन सब के घर पाइप से साफ पानी नहीं पहुंच जाता, मतलब उन्हें पानी लेने बाहर ना जाना पड़े, तब तक मेरा काम चलता रहेगा। रास्ता लंबा है, लेकिन क्रिस्टेले की जिद है कि लक्ष्य को पाकर रहेंगी।